ओके स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लिप में देखा था सेट का मीनिंग, सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट की डेफिनेशन। कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। आप एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1 सेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को कैसे लिखते थे, कॉमा से सेपरेट करेंगे और कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज करेंगे। ओके तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसके दो फैक्टर्स बनेंगे, एक एक्स माइनस वन और एक एक्स प्लस टू, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो हम टेंथ क्लास में करते थे। एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू, दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाय सॉल्विंग द फैक्टर्स वी गेट एक्स इक्वल्स टू वन एंड माइनस टू, मीन्स वन एंड माइनस टू आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वी कैन राइट द सॉल्यूशन इन रोस्टर फॉर्म बाय एनक्लोजिंग द एलिमेंट्स वन एंड माइनस टू इन कर्ली ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कॉमा इज गिवन इन द सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन रोस्टर फॉर्म एज 1, माइनस 2। अगेन सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें, सेकेंड एग्जाम्पल में बोल रहे हैं राइट द सेट x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40 इन रोस्टर फॉर्म। इसमें आपको किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में ही लिखना है। और ये सेट जो दिया हुआ है वो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो सेट बिल्डर फॉर्म से आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे करेंगे, वो सारे नंबर्स, वो सारे x जिनका स्क्वायर 40 से कम होगा वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि बोल रहे हैं हर एक एलिमेंट कैसा है, x के जैसा है। और x क्या है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x का स्क्वायर जो होना चाहिए वो 40 से छोटा होना चाहिए। जैसे हमने पहला एलिमेंट लिया, पहला पॉजिटिव इंटीजर लिया 1, तो 1 का स्क्वायर क्या 40 से छोटा होता है? यस, 1 का स्क्वायर 40 से छोटा होता है। नेक्स्ट एलिमेंट लिया हमने 2, क्या 2 का स्क्वायर 40 से छोटा होता है? यस, 2 का स्क्वायर होता है 4, विच इज ऑल्सो लेस देन 40, तो 2 भी हमारा आंसर में आएगा। देन 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर भी 40 से छोटा होता है, 4 का स्क्वायर भी 40 से छोटा होता है, 5 का स्क्वायर भी 40 से छोटा होता है, ऐसे ही 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 36 भी हमारा 40 से छोटा होता है, तो हमारा आंसर होगा 6। इसमें कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, हम वो नंबर्स लिखते हैं जो स्क्वायर होके मिलेंगे। नहीं, हमें वो नंबर्स नहीं लिखने जो स्क्वायर होके मिलेंगे, हमें वो नंबर्स लिखने हैं जिनका स्क्वायर 40 से छोटा है। जैसे 1 का स्क्वायर 40 से छोटा है, 2 का स्क्वायर 40 से छोटा है, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का। 6 के बाद अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो वो 40 से बड़ा हो जाएगा। तो हमारे एलिमेंट्स क्या हो गए, जिनका स्क्वायर 40 से छोटा है, 1 से लेके 6 तक। तो व्हाट विल बी योर आंसर, योर आंसर विल बी द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 1, 2, 3, 4, 5 and 6। सो द गिवन सेट इन द रोस्टर फॉर्म विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स। आई होप यू गॉट द आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 3। राइट द सेट ए 1, 4, 9, 16, 25 up to infinity इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज सेट बिल्डर फॉर्म। इन सेट बिल्डर फॉर्म वी हैव टू सी द प्रॉपर्टी विच द एलिमेंट्स ऑफ सेट इज बींग सेटिस्फाइड। ये जो एलिमेंट्स हैं सेट के, ये कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वी मे राइट द सेट ए एस A is equals to x such that x is a square of a natural number. Every element कैसा है, x के जैसा है, such that x क्या है, x is a square of a natural number. Square of a natural number क्योंकि वो infinite तक है, इसलिए हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। एक और तरीका होता है उसको लिखने का, जो alternative भी दिया हुआ है आपको, जैसे उसमें लिखा हुआ है set A is equals to, हर एक element कैसा है, x है, such that x कैसा है, x is equals to n का square, और n क्या है, n जो है वो नेचुरल नंबर है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x such that x equals to n square where n belongs to natural number। ओके,